देख रहे हैं ghamaasan.com, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारतप्रिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का चंद्रयान 2 मिशन फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो हमसे सिर्फ थोड़ा खोया गया है। यान के विक्रम यानी कि लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, लेकिन वो नहीं हो सका और लैंडिंग के कुछ समय पूर्व ही इसरो का इससे संपर्क टूट गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का चंद्रयान 2 मिशन फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो हमने सिर्फ थोड़ा खोया है। यान के विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, लेकिन वो नहीं हो सका और लैंडिंग के कुछ समय पूर्व ही इसका इसरो से संपर्क टूट गया। माना जा रहा है कि जब लैंडर की दो स्थिति हो सकती है, या तो वो चांद पर उतर कर क्रैश हो गया है यानी उसकी क्रैश लैंडिंग हुई होगी, यह लैंडर चांद की सतह पर ठीक उसी प्रकार से उतरा हो जैसी तैयारी की गई थी। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है। ये बात तब पता चलती है जब हमारा संपर्क फिर से ऑर्बिटर व लैंडर के साथ बन सके। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष में किसी ऑब्जेक्ट से संपर्क टूट जाना कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में ऑब्जेक्ट के साथ दोबारा संपर्क स्थापित हो सकता है। कुछ साल पहले इसरो की ही एक सैटेलाइट से ग्राउंड कंट्रोल का संपर्क टूट गया था, लेकिन कई कोशिशों के बाद फिर से संपर्क स्थापित कर लिया गया। वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में ही था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल भी रहा होगा तो भी हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस मिशन का अधिकतर काम उन उपकरणों द्वारा किया जाना है जो ऑर्बिटर में लगाए गए हैं। इसमें चांद पर पानी की खोज करना भी शामिल है। बता दें कि चंद्रयान का ऑर्बिटर सही स्थिति में है और ग्राउंड स्टेशन से संपर्क में भी है, जबकि लैंडर और विक्रम को चांद पर सिर्फ 14 दिन ही काम करना था और इसका शोध कार्य भी सीमित था। इसरो के एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक ने कहा कि विज्ञान की भाषा में मिशन अब भी काफ़ी हद तक जीवित है, इसमें अभी काफ़ी कुछ देना बाकी है, ये अब तक खत्म नहीं हुआ है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।